तो बात करते कुछ ऐसे प्लेयर की जो आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 में अभी अनसोल्ड चल रहे हैं। और ये जो मैं चार्ट देख रहा हूँ, ये मैं डेली हंट एप्लीकेशन में देख रहा हूँ। यहाँ पे आप आसानी से आके क्रिकेट लीग ऑप्शन में आके ना सोल्ड अनसोल्ड देख सकते हो। तो बात करते हैं अमित मिश्रा की, जिनका बेस प्राइस है 1.50 करोड़ और अभी अनसोल्ड चल रहे हैं। जो पुराने टीम में थे ये, उस टीम का नाम था दिल्ली, ओके। फिर बात करते हैं आदम जम्पा की, बेस प्राइस 2 करोड़ है, ये भी अनसोल्ड चल रही है, पहले इन्होंने बैंगलोर से खेला है। बात करते हैं इमरान ताहिर की, 2 करोड़ बेस प्राइस है, ये भी अनसोल्ड है, चेन्नई से खेल चुके हैं। मुजीब जिदरन 2 करोड़ बेस प्राइस, अनसोल्ड, हैदराबाद से खेल चुके हैं। आदिल रशीद 2 करोड़ अनसोल्ड, पंजाब से खेल चुके हैं। उमेश यादव 2 करोड़ अनसोल्ड चल रहे हैं, दिल्ली से खेल चुके हैं। उमेश यादव भी बहुत ही शानदार खिलाड़ी और बहुत ही शानदार बॉलर भी है। सैम बिलिंग्स 2 करोड़ अनसोल्ड, दिल्ली से खेल चुके हैं। रिद्धिमान साहब बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, 1 करोड़ बेस प्राइस चल रहा है, अनसोल्ड, हैदराबाद से खेल चुके हैं। मैथ्यू वार्डे 2 करोड़ अनसोल्ड चल रहे हैं। मोहम्मद नबी 1 करोड़ बेस प्राइस से, अनसोल्ड, हैदराबाद से खेल चुके हैं। शकीब अल हसन 2 करोड़ अनसोल्ड, कोलकाता से खेल चुके हैं। स्टीव स्मिथ 2 करोड़ अनसोल्ड, दिल्ली से खेल चुके हैं। सुरेश रैना बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, सुरेश रैना ट्विटर में भी ट्रेंड कर रहे थे क्योंकि अभी तक ये अनसोल्ड चल रही है और ये चेन्नई से खेल चुके हैं। डेविड मिलर 1 करोड़ अनसोल्ड और ये राजस्थान से खेल चुके हैं। तो ये कुछ प्लेयर थे जो अनसोल्ड चल रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको थोड़े बहुत सोल्ड प्लेयर भी दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना ली सोल्ड प्लेयर की, अगर आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे भी युजवेंद्र चहल है, ये बेस प्राइस इनका 2 करोड़ है और इनको ख़रीदा गया है 6.50 करोड़ में। पहले बैंगलोर से खेलते, अभी राजस्थान से खेल रहे हैं। बाकी आप इनका यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो सोल्ड प्लेयर का। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, ये आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, कि कौन सा प्लेयर सोल्ड चल रहा है, कौन सा प्लेयर अनसोल्ड चल रहा है, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।